चिंता बचपन किसे पसंद नहीं होगा। स्वस्थ बच्चा हर किसी को आकर्षित करता है, पर यदि बच्चा कुपोषित हो तो उसके सर्वांगीण विकास में ये एक कलंक है और कुपोषण रूपी इस कलंक को हर कीमत पर दूर करना चाहिए। कुपोषण न केवल बच्चों के विकास को प्रभावित करता है बल्कि महिलाओं के कुपोषित होने पर दो पीढ़ियां प्रभावित होती है। यह कुपोषण बच्चों के शरीर और मस्तिष्क को कमजोर बनाता है। इसी कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों की मृत्यु कुपोषण से हो जाती है। जबलपुर संभाग के अंतर्गत कुल वजन लिए गए बच्चों की संख्या 9,61,623 है, जिसमें से कम वजन के बच्चों की संख्या 1,51,732 है और अति कम वजन के बच्चों की संख्या 11,750 है। जिलेवार इनकी स्थिति इस प्रकार है। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए जबलपुर संभाग में प्रारंभ किया गया मुनगा से सुपोषण अभियान 2018 27 जून से 9 नवंबर 2018 तक। इसका लक्ष्य है जबलपुर संभाग को मुनगा के माध्यम से कुपोषण मुक्त बनाना। इसके सफल संचालन हेतु तिथिबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है, साथ ही प्रचार प्रसार के लिए साहित्य प्रकाशित करवाकर वितरण, फिल्म के माध्यम से जानकारी और संभाग, जिला और विकास खंड स्तर पर पर्यवेक्षक और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है प्रत्येक परिवार को मुनगे का रोपण, संरक्षण और मुनगे के उपयोग की आदत को दिनचर्या में सम्मिलित करवाना है। इस अभियान के तहत संभागीय स्तरीय प्रशिक्षण 27 जून 2018 को रखा गया है, जिला स्तरीय प्रशिक्षण 2 जुलाई 2018 को, परियोजना स्तरीय प्रशिक्षण 4 जुलाई को, सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षण 6 जुलाई से 13 जुलाई 2018 तक, 16 जुलाई से 25 जुलाई 2018 तक परियोजना स्तर पर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 26 जुलाई से 24 अगस्त 2018 तक आंगनवाड़ी स्तर पर कम वजन और अति कम वजन के परिवार एवं महिला मुखिया का प्रशिक्षण और बीज की उपलब्धता एवं बीजों का वितरण किया जाएगा। पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड आप स्थानीय संसाधनों से भी बना सकते हैं। 7 फीट के 4 बांस या पतले डंडे लें। चारों बांसों को 2.5 × 2.5 की दूरी पर मजबूती के साथ जमीन में 1 फीट अंदर तक गाड़ दें। जमीन से 6 इंच के ऊपर से 6 फीट ऊपर तक THR की खाली बैग, जो चादर की तरह मजबूती से सिले हों, इन बांसों पर लपेट दें। प्रत्येक बांस पर 2 फीट की दूरी पर THR की बैग पर टोचन कर प्लास्टिक की रस्सी या तार से उसे मजबूती से बांध दें। याद रखें, एक बांस पर 3 स्थान पर बांधें। इस प्रकार 4 बांसों पर 12 स्थानों पर टोचन कर बांधें। इसके अलावा आप ट्री गार्ड, बांस, ग्रीन नेट, THR की खाली बैग या साड़ी से भी तैयार कर सकते हैं। मुनगा, सुरजना या सहजन कुपोषण दूर करने में एक महत्वपूर्ण पौधा है। अफ्रीकन देशों में इसे माताओं का सबसे अच्छा दोस्त और पश्चिमी देशों में इसे न्यूट्रिशन डायनामाइट के नाम से जाना जाता है। 100 से भी अधिक तरीकों से इसका उपयोग पोषण के लिए होता है। मुनगे की फली से जहां स्वादिष्ट सब्जी बनती है, तो वहीं इसे सेक कर खाने से यह मूंगफली जैसा स्वाद देता है। मुनगे के बीज से तेल, छाल, पत्ती, गोंद और जड़ से आयुर्वेदिक दवाइयां और तने, फूल, पत्ती से खाद्य तेल मिलता है। मुनगा 300 से भी अधिक बीमारियों के उपचार में काम आता है। 100 ग्राम मुनगे की पत्तियों में दही से 9 गुना अधिक प्रोटीन, संतरे से 7 गुना अधिक विटामिन सी, गाजर से 4 गुना अधिक विटामिन ए, केले से 15 गुना पोटेशियम, पालक से 25 गुना आयरन और दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। मुनगे के बीज के चूर्ण से पानी शुद्ध किया जा सकता है। इस तरह मुनगा आज के युग की संजीवनी बूटी है। मुनगे की पत्तियां शिशु और बढ़ते बच्चों के लिए टॉनिक के समान है। इसके पत्तियों के 25 ग्राम चूर्ण से बच्चों को 42% प्रोटीन, 125% कैल्शियम, 6% मैग्नीशियम, 74% आयरन, 41% पोटेशियम, 272% विटामिन ए और 22% विटामिन सी की पूर्ति होती है। इसकी पत्तियों का रस बच्चों को दूध में मिलाकर देने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है। महिलाओं को मुनगे से कैल्शियम, विटामिन, आयरन और अमीनो अम्ल मिलता है। मुनगे की पत्तियों का रस गर्भवती माताओं को प्रसव पीड़ा से राहत देता है और इससे माताओं में दूध का स्राव भी अधिक बढ़ जाता है। मुनगे को लगाने के लिए ताजे बीजों को रात भर पानी में भिगोएं।
खाद और बालू रेत मिली 8x4 की पॉलीथिन बैग में दो बीज प्रति बैग के अनुसार 1 से 2 इंच की गहराई में बीज को लगाएं। 1 माह बाद पौधों को 1.5x1.5 के गड्ढे में लगाएं और हल्की सिंचाई करें। 6 माह बाद ये पौधा फल देने लगता है। मुनगे की पत्तियां भी बहुत लाभदायक है, इसे भंडारित भी किया जा सकता है। सर्वप्रथम इसे पेड़ से तोड़ें, छाया में सुखाएं, कूटकर बारीक करें, फिर इसे छान लें और फिर आप इस चूर्ण को सब्जी में मसाले के रूप में काढ़ा बनाकर या फिर इसे रोटी के आटे में गूंथकर आप उपयोग कर सकते हैं। और तो और आप इसकी चूर्ण को THR की पाउडर में मिलाकर लड्डू और चक्की भी बना सकते हैं, और साथ ही डाइट चार्ट के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किस वजन के बच्चे को कितनी मात्रा में मुनगे का पाउडर देना है। जबलपुर संभाग से कुपोषण दूर करने में मुनगा एक महत्वपूर्ण हथियार है। आइए कुपोषण की इस लड़ाई में हम सभी शामिल हों एवं माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को उत्तम और निरोगी बनाने में अपना योगदान दें।